पुलिस वाले खड़े हैं, है ना? आप लोगों को क्या लगता है ये लोग आपके सुरक्षा में आए हैं? कभी नहीं। 1860 में एक कानून बना था, उसमें इंडियन पुलिस एक्ट, जो इंडियन पुलिस एक्ट अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून था, और वो कानून इसलिए था कि वो बाहर वाले जो रहेंगे विदेश के, दूसरा राज्य के, आके यहाँ पर कंपनी बैठाएंगे, और अगर आप वहाँ कुछ बोलने जाओगे, आप लोगों को दबाने के लिए, हम लोगों को दबाने के लिए, हम लोगों को चुप करने के लिए पुलिस लाया गया है। जो हम लोग DCSP बोलते हैं, ये भी हमारे नहीं है। अगर हमारे होते तो आज छवि रंजन नहीं निकलते। और आप लोगों को मालूम है, अभी हाल फिलहाल में पेपर में दिया था कि 15 IAS ऑफिसर जो कि मनरेगा का काम का जो पैसा घोटाला में पकड़ा गए हैं, दिया था ना पेपर में, तो सोचिए, तो 15 दिया हुआ है, तो सोचिए कितना रहेगा, कितना विधायक और कितना मंत्री रहेंगे। अगर आप लोग कहिएगा कि भ्रष्ट इतना जितना ऑफिसर लोग, ये लोग तो भ्रष्ट है, नेता भ्रष्ट है, नहीं, उन लोग से ज्यादा भ्रष्ट आप लोग है, हम लोग है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, वोट देने से पहले पैसा लेते हैं। महिला जितना मुखिया लोग है यहाँ का, आप लोगों को बुरा लगेगा लेकिन हकीकत बात बता रही हूँ, गांव-गांव में जितना लाइट लगता है, जितना टंकी लगता है पानी का, वो सब क्या आता है एस्टीमेट में आप लोग का, कि नया चपाकल खुदवाने के लिए पैसा आता है, लेकिन ज्यादातर मुखिया लोग क्या करते हैं, पुराना चपाकल में टंकी लगवा देते हैं, लगवाते हैं ना। और जो लाइट लगाने के ऊपर में आता है, आप लोगों का फंडिंग किया जाता है, फंड आता है, पैसा आता है, तो आप लोग खुद खरीद दीजिए ना लाइट। और आप लोग सवाल क्यों नहीं करते हैं, हम लोग लाइट क्यों लेंगे? हर किसी का घर में, अपना घर के बाहर एक बल्ब जलता है, तो ऐसे ही तो अपना जो कुली रहता है वो लाइट हो जाता है, होता कि नहीं? तो फिर वो हम लोग क्यों लेंगे बोलिए? उस पैसा को आप लोग क्यों कुछ अच्छा जगह पे नहीं लगाते हैं? आप लोग मांग क्यों नहीं करते हैं कि वो पैसा हमारे बच्चों का शिक्षा? आप लोग तो कोई बाहर के हैं नहीं, तो फिर आप लोग वोट किसके लिए हैं? आपके गांव घर के ही लोगों के लिए हैं, तो फिर आप IAS IPS की क्यों बात सुनते हैं? क्या उसने आपको वोट दिया है? वोट आपको उसने दिया क्या जो उसके कहने पर आप बड़ा बड़ा लाइट लगाते हैं, और वो जो खरीद देगा वही आपका, वहाँ कुछ नहीं चलता। अरे आपको जीता है आपके गांव घर के लोग, कोई वहाँ से आगे एक IAS IPS ऑफिसर और कोई चपरासी आके आपको नहीं सिखाया है, और कोई आपको नहीं जिताया है, जिताया क्या वो लोग वोट देके? तो फिर क्यों उन लोग का बातों पे आप लोग चलते हैं? और स्कूल में 1 से 10 क्लास तक स्कूल है, 5 गो मास्टर है, उसी 5 गो मास्टर में से मास्टर लोग को भेज देता है किसका घर में छगरी कितना है, किसका घर में मुर्गी कितना, गिनने के लिए भेजता है कि नहीं भेजता है? मास्टर को यह मालूम रहता है कि किस गांव में, किस गली में, किस घर में, किसका घर में छगरी कितना, मुर्गी कितना है, लेकिन मास्टर को यह नहीं मालूम रहता कि उसका स्टूडेंट कितना है, उसका स्कूल में छात्र कितना है, क्योंकि मास्टर को समय नहीं देता है। ये चीज होता है ना। तो अभी शिक्षा में कैसे बदलाव हुआ, एक कदम शिक्षा की ओर कैसे गया? और अपने बच्चे को बड़ा बड़ा स्कूल में पढ़ाएंगे, DAV पब्लिक स्कूल, क्या क्या स्कूल का नाम, बड़ा बड़ा स्कूल, हम लोग इतना बड़ा स्कूल में पढ़े नहीं, हम लोग को मालूम नहीं है। और आपके बच्चे जैसे हम लोग भी तो आप लोग के बच्चे ही हैं। हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, जो सरकार का बनाया हुआ स्कूल। और बड़ा बड़ा पदाधिकारी, जितने भी बड़ा बड़ा पदाधिकारी है, सरकारी नौकरी करने वाले हैं, सब सरकारी नौकरी लेते हैं, सरकारी पैसा लेते हैं, सरकारी गाड़ी लेते हैं, सरकारी बंगला लेते हैं, लेकिन अपना बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाते हैं। तो फिर उस समय सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते अपना बच्चा को? शिक्षा में बदलाव तभी होगा जब अपना बच्चा को सरकारी स्कूल में वो लोग पढ़ाएंगे। यहाँ पर देखिए समिति होता है ना, महिला समिति, महिला लोग का, हम भी एक महिला है, हमारे गांव में भी है। कितने पर महिला समिति में है, सबको है क्या? मिलता है आप लोगों को वोट से पहले पैसा मिलता है ना? तो आप बताइए कि नेता मंत्री भ्रष्टाचार हुए और अफसर हुए कि आप लोग हुए? खुद हुए ना, क्योंकि पैसा लेते हैं और वोट देते हैं। तो खुद के अंदर पहले बदलिए खुद को, हम लोग पैसा क्यों लेंगे? और क्या दिया जाता महिलाओं को, एक साड़ी दिया जाता, महिला समिति को कुर्सी दिया जाता, दरी दिया जाता, यही ना दिया जाता आपको? जब साड़ी दिया जाता, आपका पति आपको जिंदगी भर कपड़ा पहना सकता है, 5,000-10,000 का साड़ी खरीद दे सकता है, 1-200 रुपया का नहीं खरीद दे सकता है क्या, जो आप लोग नेता मंत्री से लेते हैं और अपना वोट को बिक देते हैं? क्या अब की बार भी महिला समिति
भी ऐसे कीजिएगा। सबसे ज्यादा पावर महिलाओं में होता है, सबसे ज्यादा पावर महिलाओं में होता है। आप लोग उसका अंजाम देख लीजिए। विधानसभा घेराव में दो महिला गई थी, दो ही गई थी, हम और पूजा गए थे। तो सोचिए अगर वहां लड़कों के बराबर लड़कियां रहती, पुरुष के बराबर महिला रहती, तो आज क्या होता विधानसभा घेराव में। आज यहाँ पर हम लोग को रहना नहीं पड़ता, ये चीज होता कि नहीं। जब आप लोग बच्चा को जन्म देने के समय इतना दर्द सहती है, तो अपना बच्चा का भविष्य के लिए क्यों एक साड़ी और एक दरी कुर्सी में बेचा जाती है? अब दादा लोग आप लोग ज्यादा खुश मत होइए, ताली तो और कुलकुली बड़ी बज रहा आप लोगों का, आप लोग भी कोई कम नहीं है। आप लोग का बीबी और आप लोग का माता जो है जिंदगी भर, आप लोग को बचपन से आपके माता बड़ा करती है, फिर शादी करा देती है, आपका बीबी आती है, आप लोग को खाना खिला के, खाना बना के खिला सकती है, लेकिन एक दिन आप लोग को खिला नहीं सकती है क्या? जो आप लोग एक बोतल दारू और एक मुर्गा में बेचा जाता है और अपना वोट बेच देते हैं। जिस दिन दारू मुर्गा में नहीं, अगर आप लोगों को कोई बोलेगा नेता मंत्री कि हम आप लोगों को दारू देंगे, दारू देगा या मुर्गा देगा, तो उसको पकड़िएगा सब मिला के और उसका मुंह में उसको डाल के उसको गटकाइएगा दारू। तुम पियो पहले, उसके बाद हम पियेंगे। और जो आप लोगों को बोलेगा कि हम साड़ी देंगे, दरी देंगे, कुर्सी देंगे, वही साड़ी बेटा तेरा बीबी को पहनाओ और घुमाओ तुम, उसके बाद हम तुम्हारा साड़ी लेंगे। अभी चलता है ना, उसमें क्या सिखाया जाता है कि आप लोग बोलने सीखिए, सिखाया जाता है ना बोलने सीखिए, कहीं गलत हो रहा तो आवाज उठाइए। देख लिए, मैं भी उसी तेजस्विनी परियोजना से जुड़ी हुई थी, गलत हो रहा था जाके आवाज उठाई तो मार मिला, फिर उसके बाद अभी बोला जा रहा, जब बोलने सीखे बोल रहे हैं तब बोला जाता कि गिदरिया नेता बन रही है, नेताइन बन रही है। अगर आप लोगों से भी कोई कहे, लड़का हो या लड़की हो, कि नेता बन रही, नेताइन बन रही है, तो सीता कह दीजिएगा हम है नेता, अगर तुम में काबिलियत है तो तुम भी बनो नेता, तुमको किसी ने रोक के रखा है क्या? सीधा कह दीजिएगा। और जरूरी नहीं है कि कोई विधायक और सांसद बनता है वही नेता होता है, जो नेतृत्व करता है वही नेता होता है। अगर उसी इंसान को इंग्लिश में कहे दो बाबू तुम में लीडरशिप का क्वालिटी अच्छा है, तो एकदम लड़का कॉलर उठा के चलेगा। अरे किसी ने हमको कह दिया कि मेरे में लीडरशिप का क्वालिटी अच्छा है, और उसको बोल दो कि तुम नेतागिरी अच्छा करते हो, तो गुस्सा जाएगा। अरे लीडर और नेता एक ही होता है, चलो तुम में कुछ तो खूबी है, और बोल दीजिएगा कि हम नेता नहीं बनेंगे, तो क्या बिहार वाला और यूपी वाला के यहाँ नेता बनेगा? नेता तो हम बनेंगे ना, हमारा राज्य है। एक संजय कुमार महतो है, झारखंड का ही है, पता नहीं कौन संजय कुमार महतो, जो डांस इंडिया डांस में गया था, बहुत कोई दादा लोग जानते होंगे, यूट्यूब में देखे होंगे ना। एक चीज आप लोग नोटिस किए होंगे, जो संजय कुमार महतो को पूछा जाता आप कहाँ से हैं, तो बोल देता मैं झारखंड से हूँ, लेकिन फिर भी वहाँ जो जजेस रहते हैं वो कहते हैं कि बिहार का लाल। तो क्या हमारे झारखंड से 40% खनिज संपदा सिर्फ बाहर जाने के लिए झारखंड है? उस टाइम झारखंड याद आता है, और जब झारखंड का बेटा बेटी कहीं जाके कुछ अच्छा नाम रोशन करती है तो फिर बिहार का नाम होता है। क्यों होता है? गलती हमारा है, क्योंकि हम लोग जो लीडरशिप वाला लीड करने वाला जगह है उसको हम लोग छोड़ देते हैं और साइड हो जाते हैं। और जब संसद दिल्ली संसद जितने संसद लोग हैं दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में खड़े होकर टेबल ठोक के बात करते हैं, उनसे पूछा जाता आप कहाँ से हो, वो कहते हैं हम संसद तो झारखंड से हैं, लेकिन हम रहने वाले हम बेटा है बिहार के, हम यूपी के, तो फिर हमारा झारखंड का नाम कहाँ से रहेगा बताइए? रहेगा क्या? तो आपकी बार बनना है कि नहीं बनना है विधायक सांसद? अरे नहीं बनना है तो इतना पढ़ो कि उन लोगों को सवाल कर सको, इतना पढ़ो कि जो प्रशासन खड़े हैं उनसे आंख मिला के बात कर सको, उनको देख के भागो मत, क्योंकि वो हमारे अपने कभी नहीं है, वो हैं। जब आप लोग अगर गलती से किसी दिन हेलमेट ले जाने भूल जाएंगे तो आपको तुरंत पकड़ लेगा, रुकवा देगा और आपसे चालान कटवा के ले लेगा 500 या 1000 रुपया का, लेता है कि नहीं लेता है? और अगर आप कहेंगे कि चालान किस लिए काट रहे हैं, तो फिर बोलेगा आपका सुरक्षा के लिए। क्या चालान काटने से आपका सुरक्षा होगा? अगर वो हमारे हैं, हमारे लिए करते हैं काम और हमारा सुरक्षा के लिए है, तो 500 रुपये पैसा लेके एक हेलमेट क्यों नहीं पकड़ा देते हैं? क्या ये गलत है? अरे छोटे मोटे रोड में जहाँ आप लोग निकलिएगा, जो फोर लाइन है, जो बड़ा बड़ा फोर लाइन है, वहां पुलिस वाला नहीं दिखेंगे आपको। जहाँ हमारा झारखंड से खाली समय बाहर जा रहा है वहां पुलिस वाला नहीं।